हेलो फ्रेंड्स, आज हम जम्मू को डिस्कवर करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वीडियो होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमें बद्रवाह जाना था, तो हमें यूट्यूब पर सर्च किया, तो उस यूट्यूब पर सर्च करते करते हमें बद्रवाह का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जो रोड के बारे में बता दे, रोड की कंडीशन क्या है, किस तरह से है, क्या कितना दूर है। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो हमें पूरे जम्मू और उधमपुर और भद्रवाह जो आसपास के इलाके हैं उधमपुर के, उसको हम थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आए। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले अब उधमपुर से हम स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र अपना। तो उधमपुर निकल कर हम पहले चिनानी क्रॉस करेंगे। चिनानी टनल पार करते ही एक राइट में हमें जाना है भद्रवाह रोड पर। एक रोड सीधा कश्मीर जाएगा और दूसरा राइट में भद्रवाह के निकलता है। पहले पटनी टॉप से जाते थे, फिर बटोत आता था, फिर बटोत से हम भद्रवाह के लिए निकलते थे। आजकल टनल बनने से वो जो सफ़र है कम हो गया है, और टनल पार करते ही पूरा राइट लेना है। राइट से हमें भद्रवाह के लिए सफ़र है। चलते शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर। बोलो माता रानी की जय। से जो निकले थे, तो उधमपुर से जो रास्ता है बहुत बढ़िया है। चनानी तक हमें सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, 20 मिनट। अभी चनानी नाशरी टनल जो है, अभी हम उसको एंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद पार करते ही राइट में हमें भद्रवाह का रोड मिलेगा। तो भद्रवाह जो है बहुत ही लिटरेट स्टेट है, उसको एक छोटा केरला भी बोलते हैं, और वैसे तो उसका दूसरा नाम भी है, उसको मिनी कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि उसकी सीनिक ब्यूटी ऐसी है कि कश्मीर जैसी। तो भद्रवाह बहुत बढ़िया जगह है, लोगों को वहाँ विजिट करना चाहिए, टूरिज्म का बढ़ावा होना चाहिए। वहाँ गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहाँ वो वहाँ पर टूरिज्म टूरिस्ट आ सके। देखिए, टोल हमने दे दिया, तो टोल पार करते ही चनानी नाशरी टनल लिमिटेड, हम उसको पार करेंगे। तो पार करते ही राइट में हमारा भद्रवाह का रोड शुरू होगा। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ भद्रवाह का रास्ता है, और यहाँ से आप सिंथन टॉप, किश्तवाड़ और साथ में किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह, ये रोड यहाँ से जाता है। और यहाँ से आप फिर जब सिंथन टॉप को पार करोगे, तो आपको डेक्सुम, कोकरनाग, फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का। देखिए, हम आगे एक जगह रुके हैं, ये मैडम के लिए, यहाँ पर मैडम के लिए, इसको क्या है, ये चीला, ये चीला है, चीला बना रहे हैं। ये आपने कभी ऐसा किया होगा क्या? देखो, हम इधर कर रहे हैं, इस छोटे से गैस पर हम छीला बना रहे हैं। वाह वाह वाह, छीला तो बन गया, इसको एक दो साइड में जल्दी। ये देखिए, यहाँ छीला बन रहा है, ब्यूटीफुल। ये छीला देखिए, वेरी गुड, तैयार हो गया छीला। या हा, क्या बात, पूजा जी बना रही है छीला। हाँ जी पूजा जी, रोड पर क्या सीनरी है, वाह 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 वाह, क्या पेड़, देदार के पेड़, जंगल ही जंगल, वो ओह ओह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो, मैडम भी आ रही है। हाँ जी मैडम जी, चिल्ला खाना है क्या? आइसक्रीम हाँ जी, आपके लिए चिल्ला, हमने देखो कित कहाँ पर बना रहे हैं। ये है सीनरी है भद्रवाह की। भद्रवाह है ही बहुत ही बढ़िया है, उसको मिनी कश्मीर, जो मैंने पहले ही बोला था आपको, मिनी कश्मीर बोलते हैं। तो हमने भी सोचा कि यार, जहाँ नहीं गए हैं, बहुत साल पहले, 20 साल पहले मैं गया हूँ, मगर तब की बात अलग थी और अभी तो अलग है। तो आज हमारे साथ पूजा जी भी है और मेरी किरण भी है, मैं तो हूँ ही, तो बढ़िया मज़ा आएगा, आनंद आएगा हमें वहाँ पर। आज तो कैंपिंग देखेंगे, कहाँ पर हम रुकेंगे, अच्छी सी जगह ढूंढ के हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। आप देखते हैं, देख रहे हैं कि सामने जो पहाड़ी है, ये बटोत की पहाड़ी है,
और मकान कहाँ कहाँ है। अब देखो ऊपर, वो देखो यार, लाइफ तो इनकी अजीब ही है, कैसे करते होंगे समझ तो नहीं आ रहा है, मगर है बढ़िया मज़ेदार लाइफ। जिंदगी तो है इनकी भी बहुत मज़ेदार, ठंडी ठंडी हवाओं में रहते हैं, ये तो बर्फ पड़ती है यहाँ पर तो बहुत, अभी भी उतना गर्मी नहीं है जो कि जम्मू में गर्मी है। ये माता मचेल 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 यात्रा है ना, वही है। अच्छा, कहाँ पर होती है ये? किश्तवाड़ से आगे है। अच्छा, बुधरवा जा रहे हैं। हाँ, ये माता की जय हो। यहाँ पर वो मचेल यात्रा जो है उसका यहाँ पर एक भंडारा रखा हुआ है रास्ते में, तो हमने हमने वहाँ पर भंडारा खाया। आप देख रहे हैं कि माता जी यहाँ पर विराजमान है, उन्हें सब कुछ रखा हुआ है इधर, तो यहाँ भंडारा भी है, हमने किया, हमने आपको दिखाया वो। ये भंडारा भी लगा हुआ है यहाँ पर मचेल यात्रा के लिए, जो यात्रा यात्री करने के लिए जाते हैं किश्तवाड़, तो हमने भी थोड़ा सा यहाँ पर भंडारे में से प्रसाद खा लिया, और प्रसाद करके यहाँ से हम चल पड़े। बहुत ही बढ़िया सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर, मगर लोग यहाँ पर बहुत कम आ रहे हैं, अभी थोड़ा रश है क्योंकि मचेल यात्रा यहाँ किश्तवाड़ में हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आजकल पब्लिक आ रहा है तो, मगर ऐसे में बुधरवा के लिए बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर भी कश्मीर जैसे सीनिक ब्यूटीज़ है, आगे चलकर और भी है, जब हम बुधरवा पूरा बुधरवा पहुँचेंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। नाम नदी है, अभी हम यहाँ पर नज़दीक क्लोज पहुँचे हैं, वहाँ देख रहे हैं सीधा जो रोड जा रहा है वही बुधरवा का रोड है। थोड़ा रोड रास्ते में थोड़ा रफ रोड भी था, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की, तो 3 2 3 किलोमीटर का रोड जो है ख़राब है, तो यहाँ से और ठीक अभी चल रहा है रोड, यहाँ से रोड की कंडीशन ठीक है, लेकिन आप नदी है तो आगे से लगता है वो किश्तवाड़ का रास्ता होगा, और दो रोड जाते हैं आगे, एक किश्तवाड़ को जाएगा और दूसरा सीधा भद्रवाह को, तो हम सीधा भद्रवाह से चले जाएंगे, तो यहाँ से अभी 25 किलोमीटर है भद्रवाह के लिए। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भद्रवाह सिटी। इतने पेड़ जंगल और सड़क भी बेहतरीन है, और जैसे पहलगाम जाने का मज़ा आता ना, वैसे ही मैं इस वक्त भद्रवाह को एंटर करने में महसूस करता हूँ। वो देखिए क्या सीनरी है, ओह 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 क्या बात है, क्या बात है यार, बदरवा बहुत बढ़िया चीज़ है यार। ये बदरवा अब सिर्फ 15 मिनट की देरी पर हम पहुंचेंगे, मगर उसकी जो सीनरी है, उसकी जो सीनिक ब्यूटी है, वो मुझे यहाँ से ही दिख रहा है। आगे चलकर वो बदरवा कैसा होगा, बहुत ही बढ़िया। वो आप पूजा जी, आपको क्या लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, और अच्छा व्यू है यहाँ है ना, मतलब आप आइए एक बार ट्रिप बनाइए भद्रवाह बहुत कश्मीर को बढ़िया है, देखना है, बहुत मतलब बढ़िया। अगर आप चाहते हो कि हाँ, मिनी हाँ कश्मीर मिनी देखना है। कश्मीर देखना है तो आप यहाँ हाँ, भद्रवाह आ ये सकते पक्का पक्का मिनी कश्मीर ही है ये, मैंने कहा ये मिनी कश्मीर है, मतलब यहाँ उतना एरिया है नहीं कि आप वहाँ यहाँ ज़्यादा घूमो, मगर फिर भी लगता है कि हम कश्मीर में एंटर कर गए। हाँ, हैं। बहुत ही शांत शांत है, है, नेचर पेड़ जिसको ज्यादा पसंद जैसे है, पेड़ शांत आपको वहाँ मिलेंगे, वो ही यहाँ पर भी मिल रहे हैं, और सीनिक ब्यूटी है, बहुत बढ़िया, नेचुरल एयर सब कुछ यहाँ पे बहुत सीनरी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। से आप देख ही रहे हो, कितना अच्छा लग ये रहा है, देखिए, एसी की भी जरूरत नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, ये देखो, ओहो होने के बाद ये खुद ही, जैसे कश्मीर में ऐसे ही छत लगाते हैं कि बर्फ खुद नीचे गिर जाए, तो ऐसा ही यहाँ भी है, और यहाँ पर मिक्स लोग रहते हैं, यहाँ कश्मीरी मुसलमान भी है, यहाँ हिंदू भी है, और यहाँ के लोकल हिंदू वो भी है, तो सारे मिक्स में एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया जगह है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी आगे चलकर हम और भी आपको दिखाएंगे। चलिए अभी थोड़ा हम चाय पीते हैं। हम भद्रवाह तो बाहर से ही निकले क्योंकि हमें जायवली जाना है। तो ये देखिए बाहर का व्यू, हमने पूरा व्यू भद्रवाह का ले गया, पूरा व्यू है भद्रवाह। ओहो हो हो, क्या है ये जायवली की, जब हम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने ये व्यू ले लिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत व्यू है यहाँ से। ये देखिए ये सारा फैला हुआ है पहाड़ियों में। यस, कितने मकान हैं, जंगल में मकान है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये व्यू। तो हम यहाँ से जायवली जा रहे थे तो ये व्यू मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ यहाँ का। तो चलिए हम जायवली की तरफ मुड़ते हैं। जायवली, ओ हो हो, क्या नज़ारे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये जायवली जाते जाते तो हाइट तो है ही, रास्ते का हाइट है, दोनों साइड दीदार के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रहा है ये दृश्य। ये देखिए पहले चिंता वैली आता है, उसके बाद जय वैली आता है। ये चिंता वैली है, ये भी बहुत बढ़िया है, यहाँ भी कैंपिंग कर सकते हैं हम। ये नीचे जाकर वहाँ पर कैंपिंग की जगह है। तो हम चलते हैं आगे जय वैली की तरफ। जितना हम नज़दीक पहुंचते हैं जायवली के तो उतने उतने सुंदर नज़ारे सामने आते हैं। ये देखिए जायवली का पहला नज़ारा, ये है जायवली, ये देख लीजिए। ये हो क्या बात है, बहुत ही सुंदर, वाह 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 वाह। तो यहाँ पर हम अभी भी रुकेंगे और यहाँ पर हम अपना टेंट लगाकर कैंपिंग शुरू करेंगे। हम यहाँ पर अपना लंच बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जायवली पहुँचते ही इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ रही है। जायवली बहुत जगह अच्छी जगह है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं रात को और एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये है जायवली का नज़ारा, वो वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। चलिए हम साइड में रुकते हैं अभी। हमने यहाँ पर सेटअप लगा दिया है टेंट का, ये देखिए पूजा जी बैठी है टेंट में, ये हमने सेटअप लगा दिया है। तो जायवली आपका नज़ारा हम पहुँच गए, आपको दिखाते हैं जायवली का नज़ारा। देखिए ओहो हो, क्या बात है, क्या है जय वाली, बहुत बढ़िया है। ओह ओह ओह, ये देखिए वाह वाह, क्या है भाई। ओह ओह, ये देखो भाई, बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत बिस्तर यहाँ पर आते हैं, खाना बनाते हैं, रात को रहते हैं। हमने भी टेंट लगाया, देखिए हमारा टेंट यहाँ पर है और हमारा यहाँ पर खाना भी बन रहा है। क्या बन रहा है मैडम? राजमा टमाटर। अच्छा, राजमा और टमाटर। चलो आज राजमा टमाटर की डिश। तो अभी ठीक है, यहाँ नाइट स्टे करते तो, मगर हमारे पास जो टेंट है वो थोड़ा उसके पास हमारे साथ वो वाटरप्रूफ त्रिपाल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। तो खाना खा कर ही हम यहाँ से जाएंगे। मैडम जी लगी हुई है, ये देखिए दो दो गैस जल रहे हैं अभी, एक पर छिला बन रहा है पोर्टेबल गैस पर छिला, और इधर चावल तैयार हो रहा है, ये पोर्टेबल गैस है, इस पर बन रहा है छीला। क्या बना रही है आप? छीला। किसके लिए? मम्मी के लिए छीला बना रही हूं। अच्छा, चलो चलो चलो, वेरी गुड। ये देखिए ओहो, मतलब ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बोलते हैं लोग डाइटिंग नहीं हो पाती है, अच्छा बाहर जाके सब हो सकता है, करने को सब हो सकता है, मगर इंसान जब करे करे, जब करे नहीं तो क्या करेगा। ठीक है, हाँ देखिए सब कुछ यहाँ, हम छेला भी बना सकते हैं, चावल तो बन ही गया और सब्जी बन गई, और अभी ये पूजा छेला बना रही है। देखते हैं जब तैयार होगा तो हम बताएंगे आपको कैसे लग रहा है ये। मैं तो नहीं डाइटिंग कर रही हूँ, बट यही है कि दूसरों को खिला रही हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम से हम भी करेंगे, अच्छा हेल्दी खाएंगे, चावल कम करेंगे।
और आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। धूप है, धूप में बैठी है, धूप यहाँ का धूप लगता है। हवा तो ठंडी आ रही है, धूप तो है मगर हवा ठंडी है। आज ये जो हमारा ब्लॉग है ये तो छा जाएगा ये तो छा जाएगा आज, क्योंकि आज कैंपिंग का मूड ही कुछ अलग है। ओहो मतलब बड़ी दिक्कत भी आई, बड़ा आनंद आ रहा है भाई। ओहो देखो ये भी तैयार हो गया, हमारा चाकू है। अच्छा, सब कुछ है इसमें, कैंची भी है, आप कैंची भी यूज कर सकते हो ये, ठीक है। और चाकू तो है ही, ये पता नहीं किस चीज का है, बाकी भी चीजें हैं जो हम पता नहीं है किस किस में लगता है। ये है, ये तो वाइन को खोलने, ओके वाइन, एंड दिस इज अनदर नाइफ, डोंट नो। अरे इतने सारे आप इसको अभी क्या करना है? ये तैयार तो हो गया मेरे, इसको पलटो, इसको पलटो, देखो जी पलटन करो, पलटन हो गया है। देखिए देखिए, पलट पलट, हाँ वापस पलटा, अब पलट गया भाई, पलटा, ये छीला तैयार हो गया मैडम आपके लिए तो छीला, बढ़िया। ओहो क्या बात है, ये राजमा है, ये क्या है, ये छीला है, ये इसमें से राजमा लेनी है, छीला ये है, छीला लीजिए, ये सलाद लीजिए मैडम, ये लीजिए। तो ये सलाद हो गया, ठीक है, क्या प्याज हो गए, प्याज। तो अभी हमारा यहाँ पर चावल आएगा, यहाँ यहाँ एक कमी है नेटवर्क की, नेटवर्क बहुत है ही नहीं, कुछ भी नहीं, जिनको काम रहता है मेरे को लगता है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क नहीं चलेगा, शांति रहेगी, आराम से आप बैठो, कोई चिंता नहीं, बाहर की दुनिया की कोई चिंता नहीं, मजे से रहो, ऐश करो और इन पेड़ों को देखो, इस सीनरी को देखो, खाना पिया करो, आ हा 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 हा, और ठंडी ठंडी हवा खाओ। अरे भाई कहाँ मिलेगा ये मौसम, अरे दिल्ली में इतना पोल्यूशन, वो गाड़ियों का यार, मगर वहाँ तो जिंदगी गुजारनी है तो, मगर कभी कभी आया करो, इन पहाड़ों को भी देखो। वाह क्या मजा है, अभी हम खाना खाएंगे, खाना तैयार नहीं है तब भी हम इसको जबरदस्ती करेंगे। हो गया तैयार, देखिए, ओहो हो, देखिए भाई अभी यहाँ पर चावल ये हो गया, ये सब्जी था, इनका छीला है, ये देखिए छीला खा रही है मैडम जी, छीला खा रही है, और हमारा चावल इसने पूजा जी ने लगा लिया, अपने लिए भी लगाएगी, तो फिर हम इसको खा लेंगे। चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद, खाना हमारा परोसा गया, हम अब टेस्ट करते हैं, आप भी आ जाइए टेस्ट कीजिए, हम बताएंगे खाने के बाद इसका टेस्ट कैसा था, ज़रूर बताएंगे, थैंक यू। अभी यहाँ पर हम अपना जो ये सेटअप है हमने बंद कर रहे हैं, तो हमारा खाना तो हो गया, लंच हमारा हो गया, हम यहाँ रात को रुकते हैं, मगर यहाँ हमारे पास तिरपाल नहीं है तो बारिश हो सकती है, तो हम ये पूजा जी अभी देखिए, ये पूजा जी सेटअप को बंद कर रही है, टेंट को बंद कर रही है। आप कल से अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी ठंडी जगह है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और भद्रवा में इसके अलावा भी बहुत सी जगह है जहाँ पर आप कैंपिंग करेंगे, वो हम आपको कल बताएंगे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम बंद करते हैं और मिलते हैं सुबह, बाय बाय।